और कमेंट करके बताना अगली आपको इस वोकल प्रोसेसिंग की वीडियो चाहिए। वेल सो हेलो गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। और पिछली वीडियो पे एक मेरे को कमेंट आया था कि जी आप इस जो सॉन्ग है इसकी आप मिक्सिंग का ट्यूटोरियल दो कि इसके अंदर में हमने मिक्सिंग कैसे करी। जैसे आप देख सकते हो बथेरी चीज़ें करी हैं जो कि आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मिक्सिंग के अंदर मैंने थोड़ी सी अरेंजमेंट करी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये मैंने कैसे अरेंजमेंट करी है। ज़्यादा कुछ करा नहीं मैंने, बस एक चैनल बना के एक कलर दे दिया, उसके बाद ये ग्रुप बना दिया मैंने, बस बना दी और बस के अंदर थोड़ी सी प्रोसेसिंग करी है। मतलब कुछ खास ऐसी नहीं करी, EQ लगाया और एक लिमिटर लगाया है चलो साउंड को क्लैरिटी देने के लिए। और यहाँ पे मैंने ढोल्स का मेन इसके अंदर है ढोल का, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ सबसे पहले। तो इसका कलर चेंज कर दिया, ढोल का मैंने एक बस बना रखी है और हमारे एक इसकी बस बनी हुई है वोकल्स की। ठीक है, इसका तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा प्रोसेसिंग मेरे इसकी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने सबसे पहले क्या लिया है। ओके, ये सिंथ बेस की साउंड है। इसके अंदर मैंने क्या किया है, हाईज मिड और लोस काटे हैं थोड़े से, आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा थ्रेशोल्ड वगैरह नीचे रखा है इसको और टाइट साउंड कराने के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड आती है हमारी, ये प्लक्स है। तो आप मेरे नेम्स के ऊपर मत जाना, नेम्स में कुछ भी लिख देता हूँ और कुछ भी डाल देता हूँ, ये मेरे नेम्स पर बिल्कुल मत जाना। ठीक है, मैं आपको बताता रहूँगा साथ में कि कौन सी साउंड में क्या यूज़ कर रहा हूँ। ये प्लक्स है, इसके अंदर मैंने देखो कैसी साउंड, मैं आपको ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। आप ध्यान से सुनोगे ना, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ना ये कितनी अनोइंग साउंड है, मैं आपको सुनाता हूँ। इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ से करता हूँ। ये जो साउंड है ना ये बहुत अनोइंग है, अभी भी आ रही है लेकिन इतना अनोइंग नहीं कर रही। ठीक है, उसके बाद ओह सॉरी ये रह गया लिमिटर, इसके अंदर भी मैं हर एक के अंदर लिमिटर लगाता हूँ टाइट करने के लिए। और ये मेरा फेवरेट प्लगइन है फ्रूटी ब्लड ओवरड्राइव, इसके साथ साउंड की जो क्वालिटी आती है ओए हो क्या बात बताऊँ, ये सुन के देखो आप फिर पता लगेगा। आप सुन रहे हो कि ना आवाज़ खुल के आ रही है अब, है ना। ठीक है, तो देखो मैंने ऑलमोस्ट हर एक चैनल के अंदर यूज़ करा है मैंने ये ब्लड ओवर ड्राइव, ये मेरा फेवरेट प्लगइन है पता है। ये हमारी रोड्स है, आप जैसे कि सुन सकते हो कि इसके अंदर एक EQ लगा रखा है, फिर थोड़ी सी इसको शेपिंग करी है। ठीक है, स्टीरियो में थोड़ी शेप दी है इसको, फिर ब्लड ओवरड्राइव ये फेवरेट प्लगइन है, आप इसको यूज़ करके ज़रूर देखना। FL स्टूडियो का स्टॉक प्लगइन है, बहुत बढ़िया काम करता है। मैं ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टॉक प्लगइन से ही यूज़ करता हूँ, मैं कोई एक्सटर्नल प्लगइन से नहीं यूज़ करता। और थोड़ा सा रिवर्ब लगाया है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो साउंड है वो है जो कि हमारा एक सैम्पल साइमेटिक्स का है शायद, हाँ साइमेटिक्स का सैम्पल है। ये है 2020 वेरियस मेलोडी लूप्स 10 लूप 10 170 BPM सी माइनर। ठीक है, मतलब तो इसको चेंज किया मैंने सी शार्प में किया क्योंकि हमारे गाने का स्केल है सी शार्प माइनर। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या चेंज किया है देख सकते हो, तो मैंने हाइज काटे हैं क्योंकि हाइज में ना मेरी वोकल्स है तो उसके लिए मैंने स्पेस शुरू से ही बना के चला हूँ ताकि मेरी वोकल्स के साथ हमारी जो साउंड्स है वो क्लैश ना करें। ठीक है, आप सुनो। ये थोड़ी ना ऐसी एथिक्स सी वाइब दे रही है ना ये साउंड जो है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है हमारी एक शायद स्नेयर है, हाँ स्नेयर है, बहुत टाइट स्नेयर है। देखो ब्लड ओवर ड्राइव मैं हर किसी में लगाता हूँ, मेरे से बार बार मत पूछना कि ये क्या काम करता है।
मैं हर एक प्लगइन के अंदर ऑलमोस्ट लगा ही देता हूँ, इसमें भी लगा रखा है, इसमें भी लगा रखा है, इसमें भी लगा रखा है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, मतलब लगाता ही लगाता हूँ। बहुत मेरे को, मेरा फेवरेट प्लगइन है ये, ठीक है। और थोड़ी सी रिवर्ब डाल रखी है इसके अंदर, ये नेक्स्ट साउंड के अंदर हमारी ये क्लैप है, उसके बाद आती है हमारी साउंड। हाँ आप ये सुन सकते हो, ठीक है। उसके बाद टैम्बोरिन, थोड़ा सा पैनकेक, ईक्यू, लिमिटर टाइट करने के लिए, फेवरेट प्लगइन और रिवर्ब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, बहुत पावर्ड क्लैप है ये, बहुत ज़्यादा। आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ना इसके हाइस को नीचे कर दिया है, काफ़ी नीचे कर दिया मैंने। कितना नीचे करा इसको, ऑलमोस्ट 2-2.5 dB मैंने इसको नीचे कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मेरी यहाँ पे वोकल्स हैं, इसलिए मैंने इसको डाउन कर दिया। उसके बाद देखो, मैंने अपनी किक को बेस के साथ साइड चेन कर रखा है ट्रैक स्पेसर डाल के, जो कि यहाँ से प्रोसेसिंग में गए, साइड चेन 1 पे कर दिया, और ये सुन सकते हो। अगर मैं इसको हटा दूंगा, चालू है ना, हाँ चालू है। अगर मैं इसका माउंट बढ़ा दूंगा तो देखना आप, साउंड बहुत वियर्ड हो जाएगी, और अगर बिल्कुल जीरो कर दूंगा तो ये काम खराब हो जाएगा। इसलिए बिना देखे 15% पे लगा दो, बात खत्म, साउंड बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी आपकी, ठीक है। किक के अंदर मैंने एक ईक्यू लगाया, आप थोड़े से ऐसे लो मिड से बूस्ट करें, और लिमिटर थोड़ी साउंड साउंड जो है वो टाइट करी है। ओह कहाँ गया, ये देखो, ठीक है। ब्लड ओवर ड्राइव, वेव शेप पर थोड़ी, थोड़ा सा बहुत माइनर सा इसको ना 2.38%, आप यहाँ पे देखना 2.38% सिर्फ इसको ऊपर करा है, ठीक है। और ब्लड ओवर ड्राइव का आपको दिखाऊं चेंज, बहुत बढ़िया प्लगइन है यार, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरी एक है, ये एक पंजाबी बीट के अंदर ना जब 4x4 का किक चल रही होती है हमारी किक बेस, तो ये जो साउंड है ना, ये थोड़ी सी लॉन्ग हमारी बेस होती है, ये सुनना। मेरे हिसाब से ना मैंने इसके अंदर वो भी काट रखा है, शायद 1 मिनट, हाँ मैंने इसकी शायद हाई, हाँ देखो हाईस काट रखे हैं, ओ थोड़ी स्टार्टिंग से काट रखी है, हाई कह रहा हूँ। और कुछ मैंने ज़्यादा चेंज नहीं करा, कट इट सेल्फ लगा देना, क्योंकि ये लॉन्ग केक है और काफ़ी जल्दी आ जाती है हमारी पैटर्न के अंदर, इसलिए, ठीक है। उसके बाद बारी आती है हमारी, हाँ ये हमारा अपना टैम्बोरिन, स्नेयर वगैरह, ओह सॉरी क्लैप हो गया और हाई हेट हो गया, इसकी जो ग्रूव है ना वो आई। और इसके अंदर मैंने क्या करा, ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि इसका पूरा इतने पैटर्न में लाया कर रहा है, इसमें ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसको टाइट किया क्योंकि चुभ रहा था कानों में, देखो टाइट किया, ऑब्वियसली बहुत तगड़ा प्लगइन। उसके बाद बारी आती हमारी वोकल चैंट्स की, इसको मैंने स्टीरियो थोड़ा एनहेंस भी करा है, सुनो। ठीक है, उसके बाद ये एक सीटी है, ठीक है। उसके बाद हमारा है ये भी थोड़ा एक सिंथ प्लक सा है, ठीक है। ओ सॉरी प्लक है, थोड़ा लो में प्ले किया गया, आप देख सकते हो, आपको बहुत तगड़ा फर्क पता चलेगा, बहुत तगड़ा फर्क। ये देखना, मैं सिर्फ वही चलाता हूँ, इसको जब मैं बंद करता हूँ ना ब्लड ओवर ड्राइव को, ऐसा लगता है साउंड गुम सी हो गई है, और जैसे चालू करता हूँ बहुत बढ़िया साउंड करने लग जाती है। अगर मैं आपको सारा इकट्ठा सुनाऊं तो सुनो, ठीक
और मैंने इस बस के अंदर भी एक मैंने ये EQ लगाया। EQ क्यों लगाया, क्योंकि हमारा इसका ये वाला 6th बैंड जो है वोकल के साथ मैंने साइड चेन कर रखा है। ओह कहाँ गया, ये रहा, वोकल के साथ मैंने साइड चेन कर रखा है। जब मेरी वोकल्स आएंगी ना, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे मैं बात कर रहा हूँ। ये रहा, ये सुनो। रखे हाई देख जट्टा दी कमाई, कई कर दे पसंद कई कर दे लड़ाई, है ना। आपने जैसे कि देखा कि ये कैसा साउंड कर रहा है, काफ़ी क्लीन सा साउंड कर रहा है मेरी नज़र में। अगर मैं जितना मेरे को आता है, मेरे को काफ़ी क्लीन साउंड कर रहा है, ठीक है। बाकी और प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लीन आ जाएगा, अभी मेरी इतना टाइम नहीं हुआ, ठीक है। चलो ये बात तो बाद में बात करेंगे। आप मेरे को बताना आपको क्लीन साउंड लग रहा है कि नहीं, ठीक है। एक बार में ना मैं आपको सारे चैनल के जो प्रोसेसिंग है बंद करके फिर सुनाऊंगा, आप फिर बताना कि ये कैसा साउंड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे बारी आती है मेन ढोल सेक्शन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई पंजाबी ट्रैक्स बनाना चाहता है तो उसको ढोल की प्रोसेसिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मेरे को भी ढोल की सिर्फ प्रोसेसिंग सीखने में 1 से 1.5 साल लग गया है, सिर्फ ढोल प्रोसेस करने में। और अभी मेरे को लगता है कि मैं कहीं ना कहीं लैग कर रहा हूँ इसके अंदर। तो मैं आपको पहले सुना देता हूँ, फिर आप बाकी डिसीजन आपका, आपको कैसा साउंड कर रहा है, क्लीन साउंड कर रहा है कि मडीनेस साउंड कर रहा है, जो भी साउंड कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले यमला ढोलक सबसे फेमस ढोलक है ये, इसका मैं अगर प्रोसेसिंग बंद कर दूंगा तो इसके मैंने हाइज कम करे हैं, क्योंकि वोकल्स हमारी हाइज में है जैसे मैंने बताया आपको। और उसके बाद लिमिटर लगाया थोड़ा सा, कि कई फ्रिक्वेंसीज ना, कई जो हमारे टक टक जो साउंड्स होती है ना, वो चुभने लग जाती है गानों में, उसको मैंने हमेशा कम करता हूँ। और ये हमारा फेवरेट ऑल टाइम आवाज़ खिलाने वाला प्लगइन बहुत खिला देता है ये, ठीक है। और उसके बाद बारी आती है हमारी, नेक्स्ट ढोल है शायद ये, यस ये ढोल है। ये राइट में पैंड है थोड़ा सा, इसके अंदर EQ में मैंने कुछ नहीं किया, इसके मैंने ज़्यादा हाइस बूस्ट करे हैं, इसको मैंने नॉर्मल रखा, क्योंकि हमारे मेन वोकल्स ऐसे हाई मिड से प्रेजेंस ट्रेबल तक भी जा रही हैं, लेकिन इसके अंदर भी मेरा साइड चेन चल रहा है मेन EQ में, मेन बस की EQ में, ठीक है। उसके बाद बारी आती हमारी, ओहो तुम्बी के साउंड, बेस्ट साउंड है ये। और देव नेक्स्ट लेवल का सैम्पल पैक है तो और भी बेस्ट है ये, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पहले देख सकते हो, उसके बाद मैं लोज काफ़ी काट देता हूँ, क्योंकि लोज में मेरे को लगता है कि मेरी किक वगैरह ज़्यादा क्लीन साउंड करेगी ना, तो मैं ज़्यादातर गाड़ियों में गाने सुनता हूँ, गाड़ी में ही सुनता हूँ, तो मेरे को गाड़ी में क्लीन नहीं साउंड करता। जब ज़्यादा लोज में चीज़ें आ जाती है ना, तो किक वगैरह बेस वगैरह ना क्लीन नहीं साउंड करती, क्योंकि अब बेस ट्यूब वगैरह लगी है तो उसमें बहुत अच्छा जल्दी से पता लग जाता है क्या क्या चीज़ें लैग कर रही है साउंड में, ठीक है, लोज के अंदर। तो इसलिए मैं लोज ज़्यादातर काट के रखता हूँ ज़्यादा, मेरे को पता है नहीं काटने चाहिए, लेकिन अभी इतनी दिक्कत भी नहीं होती, इतना भी ज़्यादा खाली खाली नहीं लगता। तो बाकी आप बताना आपको कैसा साउंड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक ब्लड ओवरड्राइव, उसके बाद स्टीरियो शेपर सुनाता हूँ मैं आपको। ये मेरा एक उससे काम नहीं चल रहा था, एक स्टीरियो से शेपर से काम नहीं चल रहा। मैंने एक ये वाला लगाया पहले, उसके बाद ये एनहेंसर लगाया। आप सुनना, मैं आपको दोनों ना ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ, पहले दोनों ऑफ कर देता हूँ फिर एक एक करके ऑन करता हूँ। ये थोड़ा सा वाइड हुआ ना, अब मैं दूसरा ऑन करके दिखाता हूँ। अब तो ऐसे ही बिल्कुल बिखर से गए हैं दूर दूर, है ना। तो ऐसा साउंड कर रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे, ये शायद लोज वाला ढोल है, यस इसको ज़्यादातर लोज में रखा है मैंने, जैसे कि आप सुन सकते हो आगे तो काफ़ी जाता ही है, तो मैंने ज़्यादातर काट के रखा है, क्योंकि इतना भी ज़्यादा लोज खाली ना हो। बाकी सिर्फ एक ही मैंने ढोल रखा है, जो कि बीच में थोड़ा सा ग्रूव देने के लिए बेस के अंदर भी, ठीक है। उसके बाद हमारा आपको पता ही है हर एक में डाल रखा है जो, ठीक है। उसके बाद बारी आती है खाली में ये खाली है। उसके बाद हमारा है, ओह ये बहुत हाई इसके अंदर है, ये देखो इसके अंदर, यहाँ पे मेरी वोकल से मैंने फिर भी इसको बढ़ा रखा है
पता नहीं क्यों बढ़ा रखा यार मैंने। अब तो गाना रिलीज़ भी हो गया, चल छोड़ो अब तो कुछ कर नहीं सकते। आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपने मेरा गाना सुना है, और अगर नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, आप वो ज़रूर देख लेना, गाना सुन के बताना आपको कैसा लगा। ठीक है, और कंप्रेसर इसके अंदर मैंने दूसरा लगाया क्योंकि ये हाइज़ बहुत ज़्यादा चुभ रही थी इसकी, पता है हाइज़ बंद कर दिया हूँ। आप सुन सकते हो बहुत ही ज़्यादा ना चुभ सा रहा है। बाप, इतने से फ़र्क पता लग गया होगा आपको मैंने क्या कर रखा है। ठीक है, उसके बाद बारी आती हमारी एक टाडा ही है, और इसके अंदर मैंने लोस काट रखे हैं कहाँ तक, 166 हर्ट्स तक। हाँ ये देखो, और लिमिटर मारा। ज़्यादातर मैं जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं कह सकते, जो पीक की फ्रीक्वेंसीज होती है ना, टक टक जो साउंड करती है, उसको मैं ज़्यादातर काटता हूँ। बाकी मैंने सबको नॉर्मल रहने देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे सुन सकते हो। ठीक है, ओवर ड्राइव हमारा। और उसके बाद बारी आती हमारी आखिरी, शायद ढोल है ये। हाँ ये भी बहुत हाई का ढोल है, ये देखो कैसे बूस्ट कर रखा है मैंने। जैसे मैंने, मैं अभी बिगनर हूँ ना, मैंने वैसे बूस्ट कर रखा है, मैं वैसे ही हरकतें करता हूँ। और अगर मैं आपको इसको ऑफ करके दिखाऊँ दोनों चीज़ों को, यार ये तो बिना ही क्यों के अच्छा लग रहा है, फिर मैंने ऐसे हरकत क्यों करी है। मैंने क्या कर रखा है लिमिटर वगैरह डाल के। अब ढोल सेक्शन को सुन के देखते हैं एक बारी कि कैसा साउंड कर रहा है। एक चीज़ और बताना भूल गया, इसके अंदर भी मेरा वोकल्स के साथ साइड चेन हो रखा है, 6 नंबर वाला, और इसके मैंने हाइस काफ़ी बूस्ट कर रखे हैं। सही बात है, मैंने बूस्ट सही कर रखे हैं क्योंकि अब खिल के साउंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरी वोकल्स लाई करती हैं, और वैसे मैंने पहले काट दी हैं। उसके बाद लिमिटर लगा रखा है क्योंकि सारी एक कंट्रोल में साउंड करे, इकट्ठी साउंड करे, ये कोई खिल रही हुई साउंड ना आए। और बाकी एक ट्रैक स्पेसर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है क्या कर रखा होगा मैंने। ठीक है, और अब मैं आपको ड्रम्स भी सुनाता हूँ एक बारी, आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे ड्रम्स वगैरह कैसे इसके साथ लिंक हो रहे हैं। ठीक है, और दो चार चला देते हैं साउंड, ये जो चार साउंड हमारे सिंथ प्लक है, हमारा गिटार है, एफएल कीज वगैरह हैं, सैंपल है जो। भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यार इस गाने को बनाने में, भले ही मेरे को 1.5 महीना लग गया, लेकिन ये गाना मेरे, जो भी मैंने पिछले जितने भी गाने बनाए हैं, मेरे लिस्ट में सबसे टॉप पर ये गाना है, बहुत बढ़िया गाना बना है मुझसे ये। चलो अब टाइम इतना लगाया है तो कुछ चीज़ तो बन गई होगी, लेकिन ये नहीं है कि जी मैं बैठा ही रहता था 1.5 महीने तक, मेरा ये था कि कभी बीच में एक दिन नहीं आए, फिर उसके बाद 4 घंटे बैठ गए, कभी 6 घंटे बैठ गए, कभी 2 घंटे बैठ गए, कभी आधा घंटा बैठ गए, तो ऐसे से चलते चलते करते करते 1.5 महीना लग गया मेरे को इस गाने को कंप्लीट करने में। ठीक है, मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन चलो उस टाइम पे अपना स्टूडियो वगैरह कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो थोड़े से काम रह गए थे, तो उस चक्कर में मेरे को टाइम लग गया। उसके बाद बारी आती है हमारी, शायद कुछ और है, बाकी ये क्रैश है, क्रैश के अंदर क्या ही कहना, सुन सकते हो। ठीक है, और उसके बाद बारी आती है हमारी वोकल्स की, वोकल की प्रोसेसिंग बाद में दिखाएंगे, चलो आप जब करोगे। ठीक है, आप जब कमेंट करोगे कि वोकल प्रोसेसिंग की वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं आपको दिखा देता हूँ वैसे क्या क्या किया है, क्या छुपाना। अब ऑडियो ट्यून में EQ वगैरह, अब मैं आपको इसके अंदर बता भी दूंगा कि मैंने किया क्या है, कितनी चीज़ कितनी अप्लाई करी है, क्या किया है, और क्या चीज़ कौन सी नॉब को मैंने छेड़ा है जिससे साउंड बिल्कुल परफेक्ट साउंड कर रही है मेरे हिसाब से देखा जाए तो। अपन अगर मैं आपको वोकल सुनाऊँ तो सिर्फ आप सुनना। रखे हाई देख जट्टा दी कमाई, कई कर दे पसंद, कई कर दे लड़ाई। कैसी लगी बताना जरूर। ठीक है, और ये है हमारी बैक एंड में वोकल्स दे रखी है मैंने, वोकल डबलर, ये भी बहुत बढ़िया प्लगइन है, ये मैं यूज़ करता हूँ। और इसके अंदर भी मैंने लो, मेरी जो वोकल है इसके अंदर भी मैंने ऑटो ट्यून दबा के ठोक रखा है, और मैंने शायद चेंज नहीं किया स्केल, अभी भी ऑन किया था ना, इसलिए ऐसे लगा रखा था मैंने। चौंक रखे हाई देख जट्टा दी कमाई, कई कर दे पसंद, कई कर दे लड़ाई। बहुत ही ज़्यादा मैंने हरकतें कर रखी हैं। और उसके बाद बारी आती मेरी हाई वोकल्स के अंदर, चौंक रखे हाई देख जट्टा, ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है,
लेकिन फिर भी ठीक साउंड कर रही है इसकी, मैंने चेंज नहीं करी शायद, इसके लिए सॉरी बोलना चाहेंगे हम। ठीक है, चौकर की हाई देख जट्टा दी कमाई कई करते पसंद कई करते। ये जो बीच में गंदे गंदे इफेक्ट आ रहे हैं, गुड़ा 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 ऐसे ऐसे आ रहे हैं ना, ये गाने के अंदर बहुत बढ़िया साउंड करते हैं। सही बताऊँ तो आप ज़रूर सुनना गाना मेरा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, क्या लगा रखा है मैंने, ओहो फ्लूट की साउंड लगा रखी, क्या प्यारी साउंड है। इसके बिल देखो मैंने कितने लोस काट रखे हैं, है ना। और उसके बाद ब्लड ओवर ड्राइव और पैनकेक लगा रखा है और रिवर्ब लगा रखा है, रिवर्ब देख लो मैंने क्या सेटिंग्स कर रखी हैं। ठीक है, और इसको इसके आगे मैंने ये एक थोड़ा इम्पैक्ट्स आएगी, और अगर मैं बिना वोकल्स के सारी चीज़ें सुनाऊँ तो वोकल्स है मेरी ये, इसको बंद करके और एडलिब्स भी बंद करके। चलो सही लग रहा है, अगर मैं अब वोकल्स के साथ सुन के देखो। रखे हाई देख जट्टा ने कमाई कई कर दे पसंद कई कर दे तो कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और आप अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो मुझे इस वीडियो को लाइक कर देना, मुझे मत करना वीडियो को लाइक करना, ठीक है। मुझे सब्सक्राइब कर देना, नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो जो भी है सब्सक्राइब और लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना अगला अगली आपको इस वोकल प्रोसेसिंग की वीडियो चाहिए या नहीं। अगर अगर कोई और टॉपिक पे चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वीडियोस ज़रूर लाऊंगा। आपका रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए वीडियोस बनाने में बहुत मुझे मज़ा सा आ रहा है। ठीक है, ऐसा रिस्पांस दिखाते रहना और पूरी पूरी वीडियोस देखो, जिससे हमारा ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा, फिर हमारे क्लिक्स बढ़ेंगे, मतलब ऐसी जो भी चीज़ें होती है ना, सारी CTR वगैरह हाई होगा, जिससे हमारा चैनल ग्रो करेगा। और अगर आप चाहते हो कोई गिव अवे वगैरह भी रखें, तो पहले हम 1000 सब्सक्राइबर्स करेंगे, उसके बाद हमारा गिव अवे रखेंगे, जो कि 1000 सब्सक्राइबर्स तक तो चलो मेरा जेब से जाएगा सारा जो भी जाएगा। उसके बाद कोशिश करेंगे चैनल मोनेटाइज हो, और फिर करेंगे कोशिश और बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हम गिव अवे करेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।